क्या हम यहाँ कुछ बाधा डाल रहे हैं? मैरी और एंडी दोनों रसोई घर में एक साथ हैं और अकेले रहना चाहते हैं। ओह कितना प्यारा फूल है, और एंडी को इसके बदले में बहुत ही प्यारा उपहार मिला है ना, ये अच्छी बात। लेकिन यह पता चला कि मोनिका घर पर ही है और उसे थोड़ी भूख लग रही है। इससे पहले उसे इतना स्वादिष्ट केक का टुकड़ा खाने का मौका नहीं मिला था, और अब यह उसे सही समय लग रहा है। पर एंडी ने यह फैसला किया है कि उसकी आंखों में खुशी की चमक बरकरार रखने के लिए उसे ट्रीट देना सही रहेगा। आखिरकार उसे मीठा पसंद है। मोनिका काफी चतुर है, नाराज होने के बावजूद वह कोई प्रतिक्रिया नहीं करती जिससे कि लड़ाई ना हो। कोक पीना भी कोई बुरा नहीं है, इससे भी मजा आएगा। वो अपना सब कुछ ऐसे ही नहीं दे सकती। कुछ तो उसके लिए भी बचा होना चाहिए, तो पहले से ही खाली है। मोनिका फिर से अपने को समझदार साबित करते हुए चीखने चिल्लाने के बजाय इस लालची जोड़ों को काटने चाटने और कुछ भी नहीं चैलेंज करने के लिए आमंत्रित करती है। हम शुरुआत करते हैं। एंड यह पता लगाने के लिए इंतजार नहीं कर सकता ढक्कन के नीचे क्या है। अभी नहीं, मोनिका उसे याद दिलाती है कि उन्हें पहले यह पता लगाने की जरूरत है कि प्रत्येक प्रतीकों को क्या करना है। एंडी मुस्कुरा रहा है क्योंकि उन्हें लगता है कि उन्हें उन सभी उपलब्ध विकल्पों में से सबसे अच्छा विकल्प मिला है। लेकिन अब हम जानते हैं कि ऐसा नहीं है। ऐसा है क्या? लेकिन यह उतना भी बुरा नहीं है। आपको उस साबुन स्पंज पर ध्यान देना होगा। कि उतना नहीं जितना मोनिका ध्यान दे सकती है। बेचारी लड़की, अपने दांतों से उसे काटने की कोशिश करो। जीरो को यकीन है कि इस बार उन्हें कुछ खास ही नहीं बल्कि कुछ स्वादिष्ट भी परोसा जाएगा। देखने के लिए तैयार है कि वह क्या है। मोनिका निश्चित रूप से 100% है। लेकिन फिर पहले यह तय किया जाना चाहिए कि इस दौर में किसे क्या मिलता है। मैरी एक बाइट लेगी, एंडी को फिर लेक, और मोनिका को कुछ भी नहीं। ओह ओह, क्या यह एक गुब्बारा है? मैरी तुम तो जल्दी ही खुश हो गई। एंडी उदास चेहरा क्यों? तुम्हें तो लेक करना था है ना? एक रबर का गुब्बारा? आश्चर्य नहीं कि इसका स्वाद रबर जैसा है। इतना भी अच्छा नहीं है, पर उतना बुरा भी नहीं। अगर इसे काटना पड़े। पर मैरी इससे बच गई। मोनिका ने तो गुब्बारे को फोड़ दिया। सबसे मजेदार बात तो यह है कि गुब्बारे के अंदर आटा भरा हुआ था। इस पर तो एंडी भी अपनी हंसी नहीं रोक पाया। मैरी को थोड़ा गुस्सा आया। ओह, यह एक भयानक बदबू है। यह बहुत बुरा होने वाला है। दोस्तों, अब प्रार्थना करते कि हमें कुछ नहीं आए। एंडी अपनी खुशी को छुपा नहीं पा रहा है, और हम समझ सकते हैं कि क्यों। लेकिन यह समझदारी होगी कि वो अपनी खुशी लड़कियों के सामने ज्यादा ना दिखाए। ठीक है, अपने आप को तैयार करने का समय आ चुका है। अब इंतजार करने का कोई मतलब नहीं। क्या यह एक जुराब है? डॉक्टर को बुलाओ, यहाँ कुछ पागल हो। यह बदबू, छी, इसे आखिर बार कब धोया गया था? एंडी के पास एक योजना है, अपनी प्रेमिका को बचाने के लिए एक अदला बदली। जब मोनिका दूसरे तरफ देख रही है, अरे ये हर कोई नहीं देख सकता। मैरी ऐसे दिखा रही है जैसे इस जुराब से बेहतर उसने कभी कुछ नहीं खाई हो। मोनिका इस दौर को थोड़ा भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। यह एक डरावने सपने के जैसा है। वह इस दौर को पास करती है। शुक्रिया।
कोई मेरी सहित प्रत्याशा से मर रहा है। मैरी ने आधिकारिक तौर पर फैसला किया है कि इस चुनौती में जब कुछ नहीं मिले वो सबसे अच्छा है। उस मोजे के बाद गिरोह सब चीज के लिए तैयार है, उससे खराब और क्या हो सकता है। हाँ, कोई रास्ता नहीं, एक लॉलीपॉप। हाँ, और यह बहुत स्वादिष्ट भी है। आखिरकार मोनिका की किस्मत चमकी। लेकिन एंडी अपने बाइट की मांग कर रहा है, वो अब और इंतजार नहीं कर सकता। ओ, लॉलीपॉप के डंडे के अलावा कुछ नहीं बचा। माफ करना यार, मोनिका लालच में एंडी के लिए कुछ भी नहीं छोड़ी। अब एंडी बस उस डंडी को लॉलीपॉप समझकर खा सकता है। क्या बदकिस्मती है ना। इस दौर में मैरी को लिख दिया गया है, एंडी को बाइट दिया गया है और मोनिका को कुछ भी नहीं। मैरी तुरंत ढक्कन को खोलती है और निकला ऑक्टोपस। वे छोटे छोटे एलियंस की तरह हैं, सभी डरावने और दुबले पतले और छोटे मोटे भी, और बिल्कुल भी स्वादिष्ट नहीं। सबको आश्चर्य में डालते हुए मैरी अपने काम को पूरी गंभीरता से करती है। ठीक है एंडी, इसका मतलब तुम्हारी बारी। उसे एक टुकड़ा खाना पड़ेगा, जो वह लेता है। इसका चेहरा तो देखो, सच्ची में इतना खराब था। बेचारा वो अपनी गर्लफ्रेंड की तरफ कुछ दया की आशा में देखता है, लेकिन नहीं, वह नियमों पे अडिग है। मैरी जितना मदद कर सकती है उतना कर रही है, पर ये एंडी पर कोई असर नहीं कर रहा। मैरी एक सांस ले लो, आपको इधर कुछ भी नहीं मिला। एक बड़ा बाइट एंडी के लिए और मोनिका को सिर्फ एक लिक करना होगा, उस चीज का जो टेबल पर रखा होगा। पर यह तो एक स्वादिष्ट चीज निकली और सभी इसे खाना चाहते हैं। जब तक हमारे प्रेमी मोल टोल कर रहे हैं, तब तक मोनिका ने मौका का फायदा उठाया। उसने बर्गर को बहुत बार चाट लिया, उसने कुछ ज्यादा ही कर लिया, लेकिन इससे एंडी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा और उसने बर्गर को उसने पूरी बर्गर को एक बार में ही मुंह में डाल लिया। मैरी उसे मना रही है कि वो अपना बर्गर उसे दे दे, पर एंडी के पेट का कोई और ही प्लान था। इस समय तक समझ नहीं आ रहा है कि इस चुनौती में क्या अच्छा है और क्या बुरा। कुछ भी हो सकता है, इससे अच्छा है कि हम ढक्कन खोलें और देखें कि हमारा अगली डिश क्या है। ओह, एक छोटा टार्ट, यह तो स्वादिष्ट होगा। अविश्वसनीय रूप से अच्छा, एक सज्जे सज्जन की तरह। एंडी ने मैरी को पहले लिख करने के लिए कहा। तब तक एंडी इंतजार करता है, पर मैरी तो उसे छोड़ ही नहीं रही है। क्या वो मेरे लिए कुछ बचाएगी? जब तक प्रेमी जोड़ा आपस में उलझे हुए हैं, मोनिका ने टार्ट को खत्म करने का फैसला किया, और करे क्यों नहीं। माफ करना एंडी, पर कहा जाता है जो सोबत है सो खोबत है। गिरोह ने अपने सभी आशा को खो दिया है, लेकिन क्या आप भी उसी तरह महसूस नहीं करते? यदि आप भी इस चुनौती में भाग ले रहे होते। एक छोटा गुलाबी दिल। मोनिका किसी कारण से प्रशंसक नहीं थी, क्योंकि शायद यह एक इरेजर हो। एंडी ने उसे एक बार दांतों से खींचा और चबा लिया, लेकिन उसका मनोबल ऊंचा है और वो मैरी के साथ मजाक करने में भी कामयाब रहा। खतरनाक।
चुनौती वास्तव में समाप्त हो रही है। तनाव बढ़ते जा रहा है क्योंकि हर कोई कल्पना करता है कि ढक्कन के नीचे क्या हो सकता है। अरे नहीं, एक प्याज। हमें आस आती कि इस बार ऐसी चीज नहीं मिलेगी, लेकिन मुझे लगता है कि प्याज के बिना चुनौतियाँ दिलचस्प नहीं है। एंडी इसे अच्छी तरह से संभालता है, लेकिन उसे केवल इसे चाटना था। इसमें बहुत अधिक वीरता नहीं थी, लेकिन हम कल्पना नहीं कर सकते कि मैरी इसे किस तरह से उस भयानक सब्जी को चट कर रही है। हे भगवान, एंडी अंतिम सेकंड में अपनी प्रेमिका को बचाता है और खुद को जोखिम में लेता है। अब वह एक असली हीरो है, जबकि उसकी आंखें आंसू से भर जाती है और वह बार बार प्याज को काटता है। सभी मैरी को पीड़ित होने से बचाते हैं। हाँ मेरे दोस्त, यह सच्चा प्यार है, इसके बारे में कोई दो राय नहीं है। मैं अपने आंसू नहीं रोक पा रही हूँ, लेकिन इसका प्याज से कोई संबंध नहीं है।